देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो देहे नष्टप्रायेषु अपत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तो आज हम श्रीमद् भागवत के नाना तन्वे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन
इस श्लोक में हमें गुण आत्मा कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ यह है भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का स्रोत यानी भगवान स्वयं। जैसा कि भगवद गीता में 13.15 में कहा गया है, निर्गुणम गुण वृत्तु च, वीर्य का शक्ति से अनासक्त रहकर भी भगवान उसके स्वामी हैं। इस प्रसंग में भगवान चैतन्य को चैतन्य के दर्शन का सरलता पूर्वक समझाया जाता है कि भगवान एक ही समय अपनी सृष्टि के साथ है तथा भिन्न भी हैं, अचित्य भेदाभेद तत्व। पृथ्वी कहती है कि यद्यपि भगवान बहिरंगा शक्ति से आसक्त हैं, फिर भी वो निर्धूत हैं। वे निर्धूत का अर्थ है पर प्रभावित नहीं रहते। भगवान सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं और अतः इस श्लोक में कहा गया है स्वरूप अनुभवेना, भगवान सदैव अपनी अंतरंग शक्ति में स्थित रहते हैं, फिर भी उन्हें बहिरंगा तथा अंतरंग शक्तियों का पूरा ज्ञान रहता है। इस प्रकार उनका भक्त सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भौतिक शरीर से आसक्त हुए बिना भगवान की सेवा करता है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जो भक्त सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहता है, वो अपनी भौतिक स्थिति की परवाह न करते सदैव मुक्त रहता है। यदि एक भक्त दिव्य बना रह जाता है तो फिर श्री भगवान के लिए सरलता संभव है कि वे बहिरंगा शक्ति से आसक्त हुए बिना अंतरंगा शक्ति को बने रहे। इस स्थिति को समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार भक्त अपनी भौतिक देह से मोहग्रस्त नहीं होता, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत की बहिरंगा शक्ति से कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते। भक्त के लिए भौतिक देह कभी व्यवधान नहीं बनती, यद्यपि वो प्राकृतिक देह में स्थित होता है, रहता है, जो अनेक भौतिक परिस्थितियों के द्वारा संचालित है। यथा शरीर के भीतर 5 प्रकार के वायु हैं और अनेक अंग भी हैं, हाथ पांव जीभ लिंग गुदा इत्यादि कर्मेंद्रिय हैं और ये सब अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं। आत्मा अर्थात जीवात्मा जो कि अपनी स्थिति से परिचित होता है, निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के कीर्तन में रत रहता है। उसका शारीरिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं होता। यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत से संबंधित हैं, किंतु वे सदैव आत्मशक्ति में स्थित रहते हैं और भगवान और भौतिक जगत के कार्यों से अनासक्त बने रहते हैं। जहां तक भौतिक शरीर का प्रश्न है, उनमें 6 प्रकार की तरंगे तथा लाक्षणिक भौतिक अवस्थाएं दिखती हैं, भूख प्यास शोक मोह जरा और मृत्यु, हंगर थर्स्ट लैमेंटेशन इल्यूजन ओल्ड एज एंड डेथ। मुख्य जीव कभी इन 6 छहों से कोई प्रयोजन नहीं रखता। समस्त भगवान समस्त शक्तियों के सर्वशक्तिमान स्वामी होने के कारण बहिरंगा शक्ति से कुछ संबंध रखते हैं, किंतु वे भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति की प्रतिक्रियाओं से सदैव स्वतंत्र रहते हैं। हरे कृष्ण। बहुत लंबा दीर्घ और सुंदर गहरा तात्पर्य रूपा जी ने लिखा है। ओम अज्ञान तिमिरांध्रस्य नरनन्द चलापया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविश्वं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदात्मयं तदा ति स्वपदान्वितं श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधरशिवासदिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इतना सुंदर
सरल भाषा में रूपा जी वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत बहुत ही गहरा ज्ञान है और जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, अमर पुराण है, और हर स्थिति में जीव को सर्वोच्च स्थिति पर लाने के लिए पूर्णता सक्षम है। श्रीमद् भागवत का पठन करने से साक्षात श्री कृष्ण के संग का अनुभव होता है, और श्री कृष्ण का संग का केवल अनुभव न होता है, श्री कृष्ण का चिरंतन संग भी वो प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की विशेष शक्ति है। श्री कृष्ण भगवान अपने धाम में अंतर्धान होने के बाद में प्रकट हुआ, ये ऐसा क्षितिज के ऊपर प्रकट हुआ एक कारण है। श्री कृष्ण भगवान के दैहिक अनुपस्थिति को यहाँ पर पूरा करता है, इसलिए जीव को जो जीव भगवान की अभिलाषा करता है उसके श्रीमद् भागवत में बहुत महत्वपूर्ण। श्री प्रभुपाद जी ने राधा दामोदर मंदिर में एकांत में गहरे चिंतन में मनन में रहते हुए अति उत्कट भावना में अपने आप को मग्न रखते हुए इस श्रीमद् भागवत का तात्पर्य लिखा, और इस तात्पर्य को जिससे हमने पढ़ा एक पढ़ा भी ऐसे हजारों हजारों तात्पर्य उन्होंने लिखे हैं, और वो कहते हैं कि ये तात्पर्य जो है ये मेरे आत्मा के अति आनंद की जो लहरें हैं उसका प्रकट है, मैनिफेस्टेशन ऑफ माई एक्सटेसी। तो ये केवल दर्शन नहीं है, तत्विक दर्शन नहीं है, तत्विक दर्शन जो है वो श्री प्रभुपाद जी के दिव्य आध्यात्मिक आनंदपूर्ण जो अनुभूतियाँ हैं, दिव्य आध्यात्मिक जो गहरी आनंद की अनुभूतियाँ हैं उसका ही प्रकट है। हो सकता है कि हमें लगे कि बहुत गहरा फिलोसॉफिकल नॉलेज इसमें नहीं है, लेकिन उसका अधिष्ठान प्रेम, उसका अधिष्ठान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण और भक्तिपूर्वक सेवा का आनंद है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी इसको लिखते समय राधा दामोदर जी के जो गोसाई थे उस समय वो युवावस्था में थे, निर्मल चंद्र जी वो प्रसाद रखते थे उनके कमरे के बाद दोपहर में राजभोग का, शाम तक कभी कभी ऐसे ही पढ़ा रहता। शाम को जब अपने दिव्य अवस्था से सेवा श्री राधे हरे कृष्ण, मैंने भी मेरा बंद कर दिया आते तो यही हमको समझना है। श्री प्रभुपाद जी जब इसका तात्पर्य लिखते थे तो कोई अन्य विचार भी नहीं कर, भूख प्यास यहाँ पर वर्णन किया था उन्होंने, कौन से वे हैं हमारे लिए जो उनको वश में रखते हैं, जो उनका शरीर में है, हाँ भूख प्यास शोक मोह जगा और मृत्यु, ये भूख प्यास से भी प्रभुपाद जी इस समय निवृत्त थे। इतने आध्यात्मिक स्तर पर श्री कृष्ण प्रेम में वो रत रहते थे और उसमें ये उन्होंने तात्पर्य लिखी। तो इसलिए हम श्री प्रभुपाद जी की बहुत ऋणी हैं कि उन्होंने श्रीमद् भागवत का महत्व समझते हुए सबसे पहले श्रीमद् भागवत का अनुवाद, उसको पहले भगवद्गीता को किया था, इसके बाद तुरंत श्रीमद् भागवत को अपना, तीन खंडों को लिखने के बाद में वो यहाँ से चल गए। वो लिखते हैं एक जगह पर गुप्त जगह में कि श्री रघु गोस्वामी ने उनको दर्शन दिया योग के समय पर, सभी संप्रदायों के हमारे सब संप्रदाय के सभी आचार्यों के साथ में सबने उनको आदेश एवं आशीर्वाद दिया आप अभी चाहिए, तो वो दिल्ली गए, वहाँ से वो मुझे मान के कलकत्ता शांतिपुर जगतमपुरी मुंबई करते हुए फिर अमरीका चले गए। वही श्रीमद् भागवत का अनुभव रत्न जो है उनके लिए प्रस्तुत किया, और रात रात भर जग कर वहाँ पर भी सेवा करते 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 प्रचार करते करते रात रात भर इसके प्रपोर्ट लिखते रहे। एक समय ऐसे आया कि लगा कि उनको कि मैं समय नहीं जीऊँगा, तो उन्होंने डायरेक्ट दशम स्कंद का कथा रूप में अनुवाद किया,
और दुनिया के लिए प्रस्तुत किया उसने जॉर्ज हैरिसन के माध्यम से, और फिर अपना श्रीमद् भागवतम जारी रखा और वो ब्रह्म सम्मान लीला तक स्वयं पहुंचे और यहाँ ही अपने कमरे में आखिरी दम तक उन्होंने ब्रह्म सम्मान लीला का अनुवाद किया, जबकि उनके शरीर में कोई शक्ति नहीं थी, केवल मांस समाप्त, केवल चर्म और हड्डी बची थी, अस्थि और चर्म, ना उनको अपनी पलक में उठाने की शक्ति नहीं थी। भक्त लोग पलक भी उठाकर दिखाते थे, प्रभुपाद जी देखो कौन आया, फिर उनकी पलक गिर जाए, इतने कमजोर थे फिर भी उनकी आत्मा पूर्णतः प्रफुल्लित थी, पूर्णतः सचेतन चेतनामय चेतना पूर्ण थी, और वो मुख से उनके ऊपर ऐसे चिट्टापन रखते हुए भक्त लोग उनको श्रीमद् भागवत का श्लोक सुनाते थे, फिर ये वर्ड टू वर्ड अनुवाद करते थे, फिर एक वाक्य में अनुवाद करते थे, फिर तात्पर्य बोलते थे। उसकी फोटो है प्रभुपाद की फोटो से, कितना उनका चेतना तल्लक होगा, अलर्ट होगा उस समय। देखो ऐसी अवस्था में लोगों की अवस्था कैसी होती है, हम तो हॉस्पिटल में देखते हैं लोग तो उठा नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, प्रभुपाद जी उधर के जहाँ पर उनकी सेवा चेतना से आखिरी दम तक उन्होंने ये सेवा की, हमारे लिए अमूल्य ग्रंथ है, क्योंकि ये इतना आसानी से दो साल की छुट्टी लेकर प्रभुपाद ने लिखा नहीं है इसको, तो समझदार है, तभी कहा था अपनी निद्रा से निकाल कर ये सब लिखा हुआ। निद्रा को कौन क्या कर सकता है और कौन स्वस्थ रह सकता है, तो क्या कर, निद्रा एक बहुत जरूरी चीज है आयुष्य में, हमारे जीवन में तो शरीर को सही रखती है, निद्रा समय पर नहीं मिलती है, जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है, तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है, तो बीमार हो जाता है, कैंसर हो जाता है आगे। प्रभुपाद जी दिव्य आत्मा थे, उन्होंने अपनी निद्रा को भी त्याग करते हुए हम सबके और आने वाले अनेक पीढ़ियों के कल्याण के लिए 10,000 वर्ष तक जितने भी जीव इच्छुक होकर भगवान की सेवा में आना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने इतना मेहनत किया है। 10,000 साल तक ये इसका प्रभाव रहेगा, आगे भी रहेगा, लेकिन 10,000 साल तक रहेगा। ये श्रीमद् भागवत के प्रसंगों से हमें अवगत कराना हमारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद जी ने किसी अन्य पुराण या किसी अन्य ग्रंथ को ना रखते हुए हर रोज श्रीमद् भागवतम का पाठ जो है वो अपने मंदिरों में शुरू किया, सुबह रोज श्रीमद् भागवत का पाठ होना है, क्लास होना है, क्योंकि नित्यम भागवत से वे जब श्रीमद् भागवत का हम सहन करते हैं, नित्य श्रवण और कर्ण के माध्यम से हम श्री कृष्ण का उत्कट सहन करते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए हमको सब कुछ छोड़कर बैठना चाहिए, कुछ भी मत में विकार उस समय के लिए सब बंद और एकाग्र होकर सुनना चाहिए। जितना आप एकाग्र होकर सुनेंगे उतना हम सब लोग श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे, भले वो प्रहलाद महाराज की कथा हो, भले वो ध्रुव की कथा हो, भले और किसी कथा हो, पांडव की कथा हो, विष्णु देव की हो, परीक्षित महाराज की हो। श्रीमद् भागवत का मतलब क्या है, भक्त चरित्र और कृष्ण चरित्र और भगवत वाणी तो दादा जी बोल रहे हैं, मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं, फिर बहुत सारे संत बोल रहे हैं, इसमें कई प्रसंग है, कई प्रसंग में वार्तालाप है उनका सब लोगों का, तो सब श्री कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे हैं सब लोग, और कोई भी भौतिक चीजों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, कैसे इंद्रियों को मिले, कैसे आराम मिले, कैसे जीवन में अच्छे कर्मों का फल प्राप्त करके रहना चाहिए, ये सबका वर्णन इसके अंदर नहीं, इसलिए उसका अमल पुराना होता है। तो इस प्रसंग में हम चौथे स्कंद में महाराज पृथु की कथा सुनते हैं, और महाराज पृथु जो है स्वयं भगवान की शक्ति का विशेषता है, भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, बहुत ही शक्तिशाली राजा हैं, ऐश्वर्य संपन्न हैं, दिव्य स्थिति में हैं, उनका जन्म कैसे हुआ था, वेणा वेण था और पापी था, वो बहुत भयंकर पाप किए थे उसने, राजा का होते हुए पूरा दुरुपयोग करते हुए अपने इंद्रिय भोग के लिए स्वयं पृथ्वी का मतलब जगत का वैसे विनाश ही कर रहा था, तो साधुओं ने अपने बल से उसको नष्ट करके उसी में से पृथ्वी का राजा का जन्म हुआ। पृथ्वी महाराज ने फिर बिगड़े हुए स्थिति को साधारण करने का प्रयास शुरू किया, तो वो तब
सब प्रजा प्रजा जो है जब तक वो वीणा थे तब तक तो कोई सामने आने के लिए हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन जब वेण का देहांत हो गया तो फिर सब लोग हिम्मत करके ये जानते हुए कि अभी जो राजा है वो धर्मशील है, स्वयं भगवान है, ये विश्वास से वो सब लोग के पास में गए और उन्होंने अपनी यात्रा रखी उनके सामने कि हम लोग बड़े दुखी हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कैसे भजन कर सकते हैं, हमारे लिए बिल्कुल प्रतिकूल स्थिति है, तो मर रहे हैं, मरने वाले हैं, अगर आगे कुछ नहीं हुआ तो शरीर छूट जाएगा हमारा, जीवन की देश को कैसे प्राप्ति करेंगे। तो राजा ने बहुत ध्यान से इस त्रस्त और पीड़ित जनता का निवेदन सुना और उस पर बहुत गहरा चिंतन किया। राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा के आनंद के लिए, प्रजा के सुख के लिए, प्रजा के सारे अच्छी व्यवस्था के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के अनुकूल व्यवस्था बनाने के लिए चिंतन करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, बड़े बड़े राज ऋषियों का वर्णन सुनते हैं, उनका गौरव सुनते हैं और उनका प्रभाव देखते हैं कि जब वो थे तो पृथ्वी में कैसी अवस्था थी, कभी भी रात के बिना जल नहीं मिलता था आकाश, वो भी पर्याप्त मात्रा में जितना जरूरी है, जब लोग सो रहे हैं तभी बारिश होती थी, कभी बाढ़ नहीं आती थी, कभी तूफान नहीं आता, कभी आंधी नहीं आती, कभी कम वर्षा नहीं होती थी, हवा, सूर्य प्रकाश, वर्षा सब पर्याप्त मात्रा में और सही समय पर हुआ करती थी, कभी कोई निसर्ग के प्रकोप से कष्ट प्राप्त नहीं करता था। ये केवल राजा के एक सुदृढ़ और सही भक्त रूप राजा के होने से होता था। तो जब ये विपरीत स्थिति है तो फिर पशुपति ने इसका चिंतन किया, मनन किया और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि पृथ्वी इसका मूल कारण है। पृथ्वी ने अपने सारे जो दिव्य बीज, जो फल फूल और धान्य के लिए ब्रह्मा जी ने निर्माण किए थे, पृथ्वी ने अभी छुपा के रखे हैं, इसका काम है सबके लिए देने का, लेकिन पृथ्वी ने उसको अपने पास छुपा के रखे और प्रकट नहीं कर रही है, उनका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, फसल नहीं आ रही है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो धनुष उठाया, बांध लिया और पृथ्वी पर निशाना लगाया, पृथ्वी समझ गई, पृथ्वी के देखता है, तो वो गाय का रूप लेकर भागने लगी। वो कहते हैं पाताल लोग, स्वर्ग लोग, पृथ्वी लोग, ये सब सभी लाभ कभी सब जगह भाग रही थी, तो सब जगह धनुष बाण हाथ में लिए ताने हुए ऋतु महाराज उनका पीछा कर रहे थे, और फिर वो समझ गए कि बच नहीं सकती, तो वो तुरंत भगवान को शरण आए और भगवान से अपना निवेदन आरंभ किया। भगवान ने पहले उसको बहुत डांटा कठोर शब्दों में, फिर कहते हैं कि कांप रही थी, थरथर थरथर कांप रही थी, भगवान का वो क्रोध पूर्ण आवेश उनके नेत्र देखकर, उनका क्रोध देखकर, उनका उद्देश्य मुझे खत्म करने वाले हैं ये उद्देश्य देखकर वो भरत भयंकर कांप रहे थे। जब रुखी और शरणागत हो गई तो भगवान का क्रोध समाप्त नहीं हुआ, भगवान बोलते गए तू महाराज, और फिर पृथ्वी ने बोलना शुरू किया कि मेरे ये दिव्य बीज छुपाने का कारण ये है कि पृथ्वी के बहुत पापी राक्षसी राजाओं ने मेरा गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ये दिव्य बीज के द्वारा जो उपज आती है वो स्वयं के भोग के लिए लेकर अन्य लोगों को पीड़ित करने का जो कार्य किया है, इसलिए मैंने उसको छुपाना शुरू किया, मैं प्रकट करना छोड़ दिया, क्योंकि मैं जब मैं अपने आंखों के सामने देख रही थी कि जो भी मैं दे रही हूँ जिसका उद्देश्य भगवान की सेवा में होना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए अनुकूल बनने के लिए करना चाहिए, वो ना होते हुए लोग इतने भोग के लिए और पाप कर्म करने के लिए कर रहे हैं, तो मैंने उसको प्रकट करना छोड़ दिया। पृथ्वी का ये नियम है, जब पृथ्वी ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी को किसी चीज का भाग नहीं होता, पृथ्वी में इतने करोड़ों लोग रहते हैं, अभी आज 650 करोड़ लोग रहते हैं, अरे उनका तो शायद 650 लोगों का वजन एकत्र करेंगे ना तो एक हिमालय की चोटी का प्रमुख वजन भी नहीं होगा उसका, इतने सारे हिमालय की चोटियां हैं, इतने सारे रेंज रेंज कहते हैं उसको, सह्याद्री है, फिर विंध्याचल है, फिर वो आल्प्स है, वो अमेरिका में है, फिर इंग्लैंड में है, फिर यूरोप में है, क्या क्या स्विट्जरलैंड में है, इतने सारे पर्वत हैं, इतने सारे स्थान हैं और 650 करोड़ जनता है, फिर भी पृथ्वी को कभी भी भार नहीं होता है। जैसे कि एक माँ को उसके बच्चे पेट में अगर तो चार बच्चे भी हैं गर्भावस्था में तो भी उसको भार नहीं होता है, उसका दिल से उसको लगता है बढ़िया है, बहुत चीज़ प्रेम के कारण,
लेकिन असत्य और पाप इन दो वस्तुओं को कभी भी नहीं झेल सकते। वो चाहे थोड़ा सा भी हुए बड़ा हो, असत्य और पाप निर्माण होता है तो उसका बोझ कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकती। वो बहुत उसको कष्ट होता है, उसका बहुत भार होने लगता है। तब पीड़ित होकर वो फिर भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी उनको भगवान के पास लेके जाते हैं, उसके बाद भगवान अवतार लेते हैं। तो जब ये असत्य और पाप की वृद्धि होती है तब पृथ्वी अपना जो साधन है, जो उनके पास आपके लिए है, जो रहती है, वो कम कम करने लगती है। पृथ्वी का उपयोग अभी लोग चरस गांजा बनाने में करते हैं, है ना। पृथ्वी का उपयोग अभी लोग केवल जानवरों को चराने के लिए करते हैं, जिनको काट कर आते हैं उनको खाना है। ऐसे कहते हैं कि जानवर जितनी जगह पर चरता है उतने जगह पर 16 आदमियों का खाना निर्माण हो सकता है। बिकॉज एक ही जानवर होता है 16 टाइम्स मोर इंसान के लिए पृथ्वी उपज दे सकती है, जो केवल घास बनाकर जानवर खिलाते हैं और जानवर को केवल एक व्यक्ति खाता है, मतलब प्रपोर्शन के हिसाब से। तो इतना पृथ्वी का दुरुपयोग किया जा रहा है। शास्त्र कहता है, स्पिरिचुअल साइंस नहीं कहता, मैं मटेरियल साइंस की बात कर रहा हूँ। जो भौतिक साइंस है, जो रिसर्च करते हैं, वो कहते हैं कि अगर पृथ्वी में सब लोग चरस गांजा धतूरा वगैरह वगैरह बनाना छोड़ देंगे, ओपियम अफूम अफीम ये बनाना छोड़ देंगे, और ये नॉन वेज खाना बंद कर देंगे, जानवरों को काट कर खाना बंद कर देंगे, केवल शाकाहार खाएंगे, तो पृथ्वी आज की स्थिति में, कल की परसों की नहीं बोल रहा हूँ, पिछली दिन बोल रहा हूँ, आज के कलयुग की स्थिति में 30 गुना लोगों को भोजन करा सकती है। मतलब आज अपने जो 50 करोड़ है, 19,500 करोड़ लोगों को भरपेट खाना पृथ्वी खिला सकती है। समुद्र में से आपको चाइनीज रत्न मिल सकते हैं, कहीं वर्षा की कमी नहीं होगी, अवर्षण नहीं होगा, अकाल नहीं पड़ेगा, इतनी पृथ्वी में शक्ति है। लेकिन आप देख रहे हैं कितने लोग भूखे मर रहे हैं। इथियोपिया में एक ब्रेड का जो चीज स्लाइस होता है वो 4 लोग बांट के खाते हैं, और बच्चे लोग कचरे के अंदर से जाकर कुछ चुन चुन के खड़ा हुआ अन्न खाते हैं, और बच्चे लोग जाके गौमूत्र के ऐसे हाथ पकड़ के पानी पीते हैं क्योंकि उनको पानी नहीं है, गौमूत्र पीते हैं, और गाय के साथ और सुअर के साथ में शेयर करते हैं खाना गटर में से। ऐसी स्थिति क्यों है? क्योंकि पापी लोगों की संख्या बढ़ गई है, अनाचार करने वाले लोगों से, और पृथ्वी जब पृथ्वी पर पाप के रूप से अत्याचार करते हैं, इसलिए पाप पृथ्वी इनको धीरे धीरे अपना जो साधन है वो कम कम करने लगती है। इसमें एक वरदान है कि आप जैसे भक्त लोग जप करते हैं और कीर्तन करते हैं, उससे पृथ्वी अभी भी आनंद दे रही है। प्रभुपाद जी ने जब लिखा है कि आज भी अगर आपको कहीं वर्षा दिख रही है, कहीं हरियाली दिख रही है, कई फल फूल दिख रहे हैं, कई भोजन मिल रहा है आपको, इसका मतलब भक्त लोग अभी भी कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए भगवान के नाम का कीर्तन करना, ये इस पे काउंटर क्या कहते हैं उसको, जब विष आता है विष तो हम लोग उसको दवा देते हैं, विष के खिलाफ उसको कहते हैं एंटीडोट, उससे विष का प्रभाव कम हो जाता है। तो हरिनाम संकीर्तन जो है पृथ्वी के लिए भोजन है, पृथ्वी के लिए अमृत है। जब इसका लोग कीर्तन करते हैं, मुख से वाणी से उच्चार करते हैं, तो पृथ्वी को पोषण मिलता है। तो जो अत्याचार हो रहा है उस पर मरण पट्टी होती है, और पृथ्वी अगर ना भी देना चाहे फिर भी थोड़ा दे देती है। जब तमाल कृष्ण महाराज जी मेरे ख्याल से गए थे जर्मनी में ही गए थे, शायद एक कंट्री में गए थे, वहाँ पर अवर्षण हुए, मतलब पानी नहीं गिरा था कई दिन से, उधर वर्षा नहीं हो रही थी, अकाल पड़ रहा था, मतलब नेशनल इश्यू हो गया था। सब जगह पर टीवी पे पेपर में और सब लोग भाषणों में यही बोल रहे थे कि बारिश कब हो, बारिश कब हो, भोजन नहीं मिल रहा है। उस समय तमाल कृष्ण महाराज अपने भक्तों को वहाँ पर लेकर वहाँ पहुँचे, और उन्होंने एकदम श्रद्धा से भाव से बोल दिया कि अभी कीर्तन करेंगे तो वर्षा होगी। तो किस रिपोर्टर ने उसको सुना और अगले दिन हेडलाइन पेपर में कि वर्षा होगी हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से। तो भक्त लोग बोल रहा है महाराज जी से क्यों बोला रहे, नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, हमारे संस्था का, हमारे आंदोलन का तो पूरा मतलब आदर समाप्त हो जाएगा, हम लोग का प्रचार भी समाप्त हो जाएगा, ऐसे क्यों इतना बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने किया। दोबारा फिर ये जब हुआ तो और पत्रकार आए उनको पूछने के लिए, अरे क्या आप कह सकते हैं, यकीन से कह सकते हैं? उन्होंने कहा जरूर कह सकते हैं, अगर आप सब लोग मिलकर कीर्तन में आएंगे रोड पर तो आपको ये चमत्कार दिखाई पड़ेगा।
और भक्त बोले महाराज क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मन में बोल रहे हैं महाराज ऐसे क्यों बोल रहे हैं, अपना प्रवेश क्यों ले रहे हैं, नहीं हुई वर्षा तो क्या होगा। लेकिन महाराज तो महाराज है, तो उनकी इतनी श्रद्धा है भगवान के ऊपर, हरिनाम के ऊपर, उन्हें बोल दिया। फिर प्रधानमंत्री तक बात पहुंची उस देश के, और उन्होंने उनको सबको सेटिंग करा के दिया, सब लोग लोकल लोग भी शामिल हो गए उसके अंदर। रमा कृष्ण महाराज ने कीर्तन शुरू कर दिया रोड पर, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, आकाश में एक बूंद भी कहीं दिखती थी कि बादल आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, होने वाला है। तो भक्त लोग तो बिल्कुल परेशान हो गए, और तमाम कृष्ण महाराज जी समझ रहे थे कि भक्तों के हृदय में कितने हलचल है, क्योंकि क्या ना श्रद्धा भी ऐसे कम ज्यादा होती है ना, किसकी बहुत है किसकी कम है, किसी की नौसिखिया की बहुत कोमल है, किसी की दृढ़ है, किसी की निष्ठा के रूप में है, तो जानते थे। तो बार बार फिर बोलते थे डोंट वरी, चिंता मत करना, प्रेम से श्रद्धा से कीर्तन करना, आपका काम श्रद्धा से करना है, बिना किसी उनके हाथ में, डोंट वरी, आपका कर्तव्य करना आपकी तरफ से पूरा। कैसा संदेह में और संशय में डाउट को रहते रहते करेंगे तो क्या उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, ये यथा प्रपद्यंते, श्रद्धा भी ऐसी होगी वैसा प्रतिदान मिलेगा। प्रभुपाद जी ने कहा है कि जहाँ हरिनाम संकीर्तन करते हैं वहाँ वर्षा होती है, तो फिर उनके उत्साह से भक्त लोग और प्रेम से और श्रद्धा से करने लगे, और कई घंटों के बाद में घने बादल आकाश में छा गए और बहुत भरपूर वर्षा हुई। जहाँ भी रहेंगे जहाँ भी श्रद्धा से कीर्तन करेंगे वहाँ होगा, श्रद्धा में भी होगा। राघव में ये घटनाएं जो है ना, ये कोई चमत्कारी घटना नहीं है, सत्य घटनाएं हैं और सत्य ही है उसके अंदर। तानसेन ने भी मेघमला राग गाया था, प्रेम से भगवान को पुकारा था और वर्षा हुई थी उस समय। इसलिए हम लोग थोड़ा नोट सीखे थे मेघमला राग के, लेकिन मेघमला राग नहीं भी होगा फिर भी आपके हृदय के मेघमला से वर्षा हो सकती है। इसलिए एनीवेज तो रूपा जी समझाते हैं कि पृथ्वी माता का कैसा सुखी है, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पृथ्वी माता जो है वो देखिए, हम अपने पापी पाप ऊपर लेकर चलते रहते हैं, है ना। पृथ्वी माता देवता है, भगवान की पत्नी है वो। बड़ा देव जब आए अवतार लेकर, तो पृथ्वी माता को लात मार कर ढकेल दिया गया था गर्भोदय सागर के किनारे नीचे पल में। वहाँ जाकर उनको उठाया था, तब भगवान ने उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और अपने जो कक्षा में रखा था भूदेवी बिल्कुल। और फिर जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो भगवान यमुना किनारे यहाँ पर विश्राम घाट पे आए और विश्राम किया उन्होंने, इसलिए उसको विश्राम घाट कहा गया। बाद में कई लोगों ने विश्राम किया, विश्राम के ऊपर विश्राम के ऊपर विश्राम। लेकिन भगवान जब विश्राम फरमा रहे थे तभी पृथ्वी देवी वहाँ प्रकट हो गई अपने शरीर रूप में, और उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए बड़े प्रेम से। उसके उत्तर रूप में भगवान ने ब्रज के हर एक तीर्थ स्थानों का दिव्य वर्णन किया, पूरे ब्रज का वर्णन किया, और वो आज आदि वर्णा पुराण से प्रसिद्ध है, जिसमें हर एक वंश का बहुत विस्तार रूप में इतिहास और लीला का भगवान ने जो है मुख से वर्णन किया। और पृथ्वी माता और भगवान के संबंध से नरकासुर का जन्म हुआ, मतलब भौम भूमि का पुत्र भौम, तो उसने बाणासुर से कुसंगति किया, इसलिए वो भौमासुर बन गया। प्रभु भगवान ने अपने हाथ से उसका वध किया। तो ये जो आदि वराह श्वेत वराह मंदिर जो है वो आपको मथुरा में मिलेगा, और जहाँ विश्राम घाट है वहाँ पर भगवान का विश्राम स्थान भी है। तो पृथ्वी देवी का ऊपर बड़ा उपकार है, क्योंकि पृथ्वी देवी ने हमारे लिए बहुत सारा कुछ करके रखा है। अगर पृथ्वी देवी ने प्रश्न नहीं किया होता तो आदि वराह पुराण वृंदावन का गौरव ब्रजमंडल का कैसे तय होता। तो ये सब जो देवी देवताएं हैं वो भगवान के भक्त हैं। पृथ्वी माता हमारे लिए बहुत कनेक्शन में है, हम लोग दिन रात उस पर रहते हैं, हमारा आश्रय स्थान है, इसी पर हम रहते हैं। लेकिन पृथ्वी माता को
हमें भी अपनी तरफ से प्रतिसाद देना चाहिए, फेवरेबल रिस्पॉन्स, है ना, अनुकूल जो भावना का और क्रियाओं का और कार्यों का कर्मों का जो रिस्पॉन्स है हमको देना चाहिए। और अगर हम बड़े बड़े संतों का जैसा काम नहीं कर सकते, कम से कम भगवान के नाम का जब हम करेंगे तो एक तरफ से वो पृथ्वी के लिए हमारा प्रतिसाद है। थैंक यू वेरी मच इस प्रकार का भाव। तो पृथ्वी देवी के ही वजह से इस भूमि पर अनंत बार भगवान के अवतार हुए, क्योंकि हर बार जब अत्याचार होता है सबसे पहले कौन भागता है? सबसे पहले गाय बनकर रूपी भागती है, बाकी देवता भी है ना वहां पर, उनको भी कष्ट हो रहा है, ये कंस और हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के द्वारा सबको कष्ट हुआ है, लेकिन कौन करता है शुरुआत उसकी? सबसे पहले पृथ्वी जाती है रोते हुए ब्रह्मा जी के पास, फिर ब्रह्मा जी को लेकर भगवान के पास। तो कंस के समय जब ये ऐसा आतंक हुआ तो पृथ्वी रोते होते गई थी, तो ब्रह्मा जी उनको क्षीरोदकशायी विष्णु के पास सागर किनारे ले गए, प्रवान किया भगवान का पुरुष के द्वारा, फिर भगवान प्रकट हुए और भगवान प्रकट हुए और वो सबको लेकर गौलोक धाम गए, और गौलोक धाम में ये क्षीरोदकशायी विष्णु जो है वो स्वयं श्री हरि के शरीर में विलीन हो गए उनके सामने, सबके सामने प्रभु रामचंद्र विलीन हुए वहां अवतरित होकर, कि नरसिंह भगवान प्रकट हुए वो भी विलीन हो गए, कि नर नारायण प्रकट हो गए वो भी विलीन हो गए, सबकी आंखों के सामने सीन हो रहा है, पृथ्वी अभी भी रो रही है। भगवान तो बोलते हैं अरे भू मातृ देवी, ये गौलोक वृंदावन है, अगर कोई रोने का काम नहीं है, ये आनंद भूमि है, तो पृथ्वी अपनी व्याख्या करते रहती है। फिर भगवान साक्षात पृथ्वी से संवाद करते हैं और उनको बताते हैं कि हम आएंगे और आपके लिए सब लोगों को लेकर आए, सब देवताओं को आदेश देते हैं, आप छुप चले जाओ यादव कुल में, ब्रज कुल में, ब्रजमानु कुल में, नंद कुल में, सब जगह जन्म लेना, सटीक बना पूरा हम आने वाले हैं, और फिर बाद में उतार लेते हैं। तो आप अगर श्रीमद् भागवत छंद पढ़ेंगे पृथ्वी के जब भगवान के जन्म का समय पड़ेंगे, तो ऐसे कहते हैं कि जब ये बात हुई भगवान ने सब बताया पृथ्वी बहुत प्रफुल्लित हो गई, वापस दौड़ के आए, तो यथावकाश भगवान का जब जन्म हुआ तब पृथ्वी जो है ना वो बीच रात में कभी फूल नहीं खिलते, कोई फल नहीं खिलता है, सब कुछ जो खिलता है दिन में खिलता है सूरज की उपस्थिति में, बीच रात में सरोवर में कमल खिले हुए थे, बीच रात में पक्षी किलरव कर रहे थे, बीच रात में सब फल फूल से सब पेड़ पौधे भर गए थे, सब नदियां उत्साही होकर भर भर कर बह रही थी, सब पहाड़ों में बाहर आ रही थी, हवा बहुत सुंदर सुंदर खुशबू लेकर बह रही थी, पृथ्वी ने अपना पूरा जो क्या कहते हैं सौंदर्य है वो भगवान के प्रेम की वजह से प्रकट किया होगा। इसका मतलब क्या है, जब जब भगवान आते हैं पृथ्वी अपनी फुल परिपूर्ण अवस्था में अपने आप को प्रकट करती है, जैसे जब किसी का विवाह है तो जो कन्या होती है वो अपना सबसे बेस्ट श्रृंगार अपने विवाह का दिन करती है ना, उसके आगे भी करेगी लेकिन जो श्रृंगार शादी में करेगी वो सबसे बेस्ट होगा। उस तरह से जब भगवान का अवतरण होता है, भगवान आते हैं तो पृथ्वी अपना बेस्ट से बेस्ट उसके पास जो भी बेस्ट है वो सब प्रकट करती है। तो हमको भी अगर पृथ्वी से बेस्ट चाहिए तो हमको भी अपना बेस्ट हरिनाम संकीर्तन जो है वो पृथ्वी को देना चाहिए। आपके वाणी से प्रेम से और भक्ति से जब अपने नाम और पुष्ट को प्रकट होते हुए देखेगी तो आपके लिए भी दुल्हन की तरह बनकर अपने आप को प्रस्तुत करोगी, मतलब वो भगवान के लिए करेगी, इतना लाभ आपको होगा। तो ये पृथ्वी देवी जो है हम पर बड़ा उपकार करती है, वो भी देखो आप पृथ्वी पर डाल दो एक दाना, क्या होता है उस दाने में, उस दाने में से आपको बड़ा वृक्ष देती है, अनंत फल देती है उसके अंदर, एक दाने से आम देती है, एक दाने से कटहल देती है, दाने से और अमरुद देती है, दाने से अमृत देती है, एक दाने से चावल देती है, एक दाने से गेहूँ देती है, इतना चमत्कार है। देखो आप कौन सी लेबोरेटरी साइंटिस्ट के पास में है जो आपको बीज देंगे, हम अपनी लेबोरेटरी में उसको बना के देंगे, और प्रमाण भी ऐसा होता है कि आप एक गेहूँ का दाना बीज डालेंगे 250 गेहूँ के दाने देती है आपको, लाभ इतना दे रहे हो, 250 गुना आपको दे रहे हो, तो एक गुना देने में क्या दिक्कत है। अभी मैं एक बड़े मशहूर पशु वैद्य जो गाय में बहुत प्रेम करते हैं उनको मिला, वो मुझे कह रहे थे कि
पृथ्वी का सबसे बड़ा पोषण जो है ना वो है गाय ऊपर चलना, गौचारण। हम लोग सोचते हैं कि गौ दूध देगी और बैल खेती करेगा, ये हमारा एक थिंकिंग है, वो गलत नहीं है, सही है। लेकिन वो कहते हैं कि सही जो सेवा है पृथ्वी की वो उस पर गाय बैल को चलाना है, केवल बस जस्ट चला करो। जो जब वो चलेंगे तो कहते हैं कि उनके खुरों में से उनका जो है ना वो क्या कहते हैं उसका, हम कहते हैं उसको क्या कहते हैं हिंदी में उसको, हाँ गोबर, नहीं 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 वो जो होता है ऐसा ऊपर ऐसे ऊपर या जो भी कुछ बोलते हैं आप, उसमें से वैश्विक शक्ति जो है दिव्य शक्ति वो गाय और बैल के चरणों में से पृथ्वी पर प्रवेश करती है। तब जाकर पृथ्वी को वो शक्ति प्राप्त होती है आपने दिए हुए बीज के द्वारा, 250-250 एक एक बीज का आपको उपज देना। फिर वो गाय और बैल जो है वो अपना मूत्र और गोबर डालते हैं, डालते रहते हैं ना वो, उनका तो हर 3 घंटे में उनको मूत्र और गोबर देना ही है। हम लोग दिन में ही दो बार जाते हैं लेकिन गाय तो हर 3 घंटे में गोमूत्र और गोबर देती रहती है। और वो जब पृथ्वी में प्रवेश करता है तो पृथ्वी की जो शक्ति है उपज की वो हजारों गुना बढ़ जाती है, पृथ्वी की जो क्वालिटी है अन्न देने की वो क्वालिटी भी हजारों गुना बढ़ जाती है, और पृथ्वी सशक्त हो जाती है, पृथ्वी सुपीक हो जाती है। हाँ उसमें से आप जो भी बनाएंगे वो सुगंधित रहेगा, जैसे आपको सब्जी जो आपने गोभी लगाया तो गोभी में भी स्वाद रहेगा और खुशबू भी रहेगी। जो जो केमिकल यूरिया फर्टिलाइजर डालते नहीं हम उसके अंदर गोबर खाद डालते हैं, उस वो आप सब्जी को पकाएंगे ना घर में, माता पका रही है तो पूरे घर में वो सब्जी की खुशबू रहेगी, सबको पता चलेगा आप गोबर की गोभी की सब्जी बनती है। आज तो गोभी में खुशबू ही नहीं है, कोई सब्जी में कोई फल में स्वाद ही नहीं है, यहाँ पर तो भगवान की दया से गुलाब में खुशबू है, मुंबई में और शहरों में तो गुलाब खाले रंग तक आएगा खुशबू तो आई नहीं इसके अंदर। तो पृथ्वी को क्या चाहिए ये अगर हम समझेंगे और देंगे, पृथ्वी आपको कभी भी क्या कहते हैं उसको रुखवा रुसवा नहीं करेगी, कभी दुखी नहीं करेगी, क्योंकि वो आप जब उसको एक देते हो तो वो 250 देती है। हमको उन्हें एक देना है, सबसे पहला प्रेम भगवान के नाम के द्वारा और फिर नेचुरल प्राकृतिक जीवन देना। तो फिर पृथ्वी जो है वो हमें संपृक्त करेगी। और आप ऐसा मत समझना अरे मैं तो क्या हूँ, मैं तो बेचारा इतना एकदम तुच्छ हूँ और इनसिग्निफिकेंट हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये ऐसा नहीं है। हर एक जीव जैसे पृथ्वी यहाँ पर भगवान को बता रही है, सबसे पहले क्या बता रही है, हे भगवान मैं आपका अंश हूँ, सबसे पहले वो अपना निवेदन दे रही है, मैं कोई कैरियर नहीं हूँ, मैं आपके हिस्सा हूँ। ये शांत करने का प्रयास कर रही हूँ भगवान को, भगवान अपनी लीला कर रहे हैं और पृथ्वी के द्वारा उनका गौरव हो रहा है। पृथ्वी देवी किसके लिए कर रही है पूछिए, तो खुद के भय से नहीं कर रही है, हम सबकी माता है और हम सबके बालक हैं। वो चाहती है कि दुष्ट बालक है उनका संहार हो, जो अच्छे बालक है उनका पोषण हो, और सब अच्छे बालकों का पोषण करने के लिए वो बैठी हुई है। तो कभी भी अपने कर्तव्य चुकती नहीं, लेकिन जब अत्याचार होते हैं, पाप होते हैं, असत्य का वृद्धि होती है, तब ये सब होता है। तो आज हम गरीब में जी रहे हैं तो असत्य असत्य पाप ही पाप है सब जगह, लेकिन हम जो कम मात्रा में है दुनिया में, हमारा संख्या कम है, वैसे इतनी संख्या पापी लोगों की उनके साथ तो बहुत थोड़ी संख्या में, लेकिन फिर भी इतनी थोड़ी संख्या में अगर एक व्यक्ति भी अगर शुद्ध नाम लेता है भगवान का अपराध शून्य में, तो पृथ्वी का पोषण तो बन क्या बोलते थे, मैं जा रहा हूँ अमेरिका प्रचार कर रहा हूँ, इनमें से एक व्यक्ति अगर शुद्ध भक्त बनेगा ना तो भी मेरा कार्य सिद्ध हो जाता है। 1% प्योर डिवोटी, तो भगवान ने कई बनाए, ऐसा नहीं एक ही बनाया, कई बनाए, कई जो सब विश्व का उद्धार कर रहे हैं उनके प्रभाव से कितने लोग हाँ हाँ किस किस देश में अभी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ये सब जो देश विदेश में 600 सेक्टर में हो रहा है इस्कॉन के अंदर, और भी कई संस्थाएं अपने अपने संप्रदाय के माध्यम से भगवान नाम ले रही हैं। जो जो संत लोग गुफा में बैठकर भगवान के नाम का भजन करते हैं उसने कुछ भी अभी भी हमको कुछ दे रही है। और हमारा और आपका हमारा ये सब विचार होना चाहिए कि बहुत देर यहाँ रहने का विचार नहीं करना चाहिए, जितना समय है उसमें भगवान नाम का शुद्ध जप करके जितना भी हो सके पृथ्वी को प्रतिशत थैंक यू बोल के जितना हो सके जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर क्या होगा, पाप बढ़ने वाला है, घोर गलियुग आने वाला है, फिर पेड़ पर पौधे होंगे, मतलब पृथ्वी पर पौधे होंगे फल फूल नहीं होगा, जितना भी बीज डालेंगे तो अन्न नहीं आएगा उसके अंदर, जमीन के अंदर का जल नष्ट हो जाएगा। एक बात बताना भूल गया मैं, जब गाय चलती है तो जमीन के अंदर जल को
बनाए रखने की शक्ति निर्माण होती है। जल बह जाता नहीं है, जल जमीन को जल को पकड़ देती है, जमीन गीली रहती है, सूखी हो जाती है, और आप यहाँ पे कुआं खोदेंगे बोरवेल करेंगे तो पानी आएगा उसमें से। ये प्रिंसिपल है सब कुछ प्राकृतिक जीवन। गौ रक्षा होने के बाद में, गौ सेवा होने के बाद में, फिर कृषि मतलब हमारा खेती, और फिर वाणिज्य, फिर कॉमर्स, उसके बाद में फिर धन और उसका व्यवहार होता है। पहले है गौ रक्षा, और गौ रक्षा भी कहना एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि गौ की रक्षा हम लोग नहीं कर सकते, गौ हमारी रक्षा करती है। गौ कभी भी हमारी, हम उनकी सेवा नहीं, रक्षा नहीं करते, ये गलत है भी हमारे, कि वो हम उसकी रक्षा करें। गौ हमारी रक्षा करती है, हमारे जीवन को संभालती है, हमारे जीवन को पालती है, हमारे जीवन को हर तरफ से सहायता करती है, हर तरफ से हमारा जो बेसिस है, जो मूलभूत नींव है हमारे जीवन की, वो गौ बनाती है। पृथ्वी माता को सशक्त करती है अपने चरणों के स्पर्श से, देवी शक्ति को पृथ्वी में संचालित करती है। तो पृथ्वी माता के बहुत ऋणी है, और यहाँ की पृथ्वी माता जो है वो साहब बलराम जी हैं, तो कितना सावधान रहना चाहिए हमको, हम लोग इस पर चल रहे हैं। मुंबई में जाएंगे तो भी वो पृथ्वी माता है, यहाँ पर तो बलराम जी हैं, मुंबई में दिल्ली में भी वो पृथ्वी माता है हमारी। सात माताओं से एक एक माता का वर्णन पृथ्वी का किया है। हाँ आप जाते हैं, एक हमारी माता है, एक गौ माता है, तीसरी भूमि माता है, चौथी हमारे गुरु की माता है, चौथी पांचवी हमारे राजा की माता है, छठवीं हमारे ब्राह्मण की पत्नी है, और सातवीं हमारी नर्स है परिचारिका। सात माताओं का आदर जहाँ होता है उस देश की तरक्की होती है, देश का उद्धार होता है। इन सात माताओं का आदर्श आदर करेंगे, देश कभी भी गलत गिर नहीं जाएगा। और ब्रज की व्याख्या क्या है? ब्रज की व्याख्या है जहां पर गायें निर्भर होकर विहार करती है और दिन भर के दूध देती है विहार होने के बाद, जहां निर्भयता आ जाएगी वो देश ब्रज है। पूरा भारतवर्ष ब्रज देश था, ब्रज भूमि थी। अभी तो इतना सिकुड़ के इधर भी ब्रज भूमि होना बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी गायों को कमर तोड़ के मारते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों का अपना भजन जो है वो और तीव्र करना चाहिए, और गहराई में लेके जाना चाहिए, और सिंसियर प्रामाणिक भावना से करनी चाहिए। कि हमारा केवल हमारे लिए उद्धार करने का कार्य नहीं, हमारा ये विश्व के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा क्या कहते हैं उसको सहयोग है विश्व के कल्याण के लिए। जब हम खुद जप करते हैं ध्यानपूर्वक, इसका मतलब हम विश्व के कल्याण के लिए सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि भगवान का नाम केवल एक व्यक्ति का उद्धार नहीं कर रहा है, जब हम अपने लिए भी करते हैं तो अनेक लोगों का उद्धार पृथ्वी पर फल फूल खिलने का काम भी हो रहा है। हमको ये जानते हुए कि हमारा, हम कितने भी तुच्छ होंगे, कितने भी अनुरूप होंगे भगवान का अंश, फिर भी हमारा जो जप है वो विश्व के लिए हमारे स्तर पर कल्याणकारी ही होता है। इसलिए आपको समझना चाहिए हम कितने भी इंसिग्निफिकेंट होंगे, हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है एक मनुष्य होने के नाते। मनुष्य होने के नाते जब हम जप करते हैं भगवान के नाम का, तो कितना बड़ा दिव्य कार्य होता है जो हम लोग समझ भी नहीं सकते। इसलिए हम सबको भगवान के नाम का बहुत प्रेम से, प्रामाणिकता से, हृदय से, समर्पित भाव से, एकाग्रता से जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आगे जाकर पृथ्वी बहुत भगवान का गौरव करती है, क्योंकि भगवान बहुत ही क्रोधित रहते हैं। उसके बाद फिर पृथ्वी अलग तरीके से भगवान से बात करने लगती है, और धीरे धीरे फिर भगवान को वो बताती है कि कैसे कैसे मुझसे आपको बीज मिलेंगे, या आगे का वर्णन अगले दिन मुझसे मिलेंगे। श्री महाराज ऋतु महाराज की, भूमि देवी की, वृद्धराज श्रीमद भागवतम की, बहुत धन्यवाद सबका। आप सबको मैं रेडी हूँ, आपने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का, धन्यवाद। Thank you.
से।